मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम इस वीडियो में आपको क्या बताने वाले हैं, क्योंकि आपने तो थंबनेल को देखने के बाद ही इस वीडियो को ओपन किया है। तो आज हम ये जानेंगे हाउ टू अनलॉक एनी एंड्रॉयड डिवाइसेस विदाउट कंप्यूटर विदाउट एनी डेटा लॉसेस विद इन 10 मिनट। जी हाँ, यहाँ पे मैं जो मेथड ये 10 मिनट की है, लेकिन हम आपको यहाँ पे शॉर्टकट में ऑफलाइन मोड का इस्तेमाल करके आपको 2 मिनट में बताएंगे कि आप अपने इस तरह के लॉक स्मार्टफोन को किस तरह से अनलॉक कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अभी आपको यहाँ पे मैं कुछ सिंपल से स्टेप बताने वाला हूँ, उसे आपको अप्लाई करके अपने हैंडसेट को अनलॉक करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस मेथड को हम ऑफलाइन ही इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे कंप्यूटर की आवश्यकता लेने की जरूरत नहीं है, और साथ ही हमें यहाँ पे कोई भी डेटा लॉस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बिना बढ़ाए देखिएगा, तभी आप इसे सीख और समझ सकते हैं। आपको सबसे पहले करना क्या है, नीचे में आप देख रहे हैं एक ऑप्शन है जहां पे पासवर्ड डालना होता है, नीचे में आपको दिखेगा इमरजेंसी कॉल, आपको इसे क्लिक करना है। इसके जैसे ही आप इसे ओपन करते हो, आपको यहां पे इमरजेंसी कॉल्स ऑनली का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाना चाहिए। अब यहां पे आपको पहली बार अप्लाई करना है गूगल का ऑफलाइन मोड का कोड, वो कोड आपके हर एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए कॉमन है जो आप यहां पे देख रहे हो, और इसे आपको डायल करके इस पे लास्ट पे हैश क्लिक करके आपको इस नंबर पे 3 बार कॉल कर देना है। जैसे आप यहाँ कॉलिंग स्टार्ट करेंगे, एक आपको ओके का भी मैसेज देखने को मिल रहा होगा, इसे ओके कर देना है। दूसरी बार में आपको इसे फिर से ओके करना है, तीसरी बार में फिर से ओके कर देना है, और आपको यहाँ से नंबरों को हटा देना है। अब आपका जो हैंडसेट है उसमें ऑफलाइन मोड जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अगला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, यदि आपने बढ़ा कर देखा हो सकता है कि आप इसे भूल जाए। यहाँ पर आपको डायल करना है मास्टर अनलॉकिंग कोड का, जो आपको गूगल की तरफ से आता है, लेकिन इस कोड का एक रिमेंडर है क्योंकि ये ऑफलाइन मोड का कोड है, तो हर महीने बदल जाता है गूगल के द्वारा, कुछ सिक्योरिटी रीजन है इस कारण से। तो यदि ये कोड जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ यदि आपके स्मार्टफोन में काम नहीं करेगा, उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास कौन सा हैंडसेट है और किस महीने में आप ट्राई कर रहे हो, तो हमारी जो टीम है ना वो आपको विद इन 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर आपको वो नया वाला जो मास्टर अनलॉकिंग कोड है वो आपको दे देगी। इसे सर्विस सेंटर के भाषा में गूगल FRP कोड भी कहते हैं, याद रखिएगा, या फिर आप इसे गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं कि गूगल FRP कोड होता क्या है। और उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, आगे का जो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, इस नंबर पे आपको यहाँ पे 7 टाइम क्लिक करना है और इस पर कॉलिंग कर देना है 7 टाइम। तो जैसे आप यहाँ कॉलिंग पे बटन को दबाते हैं, आपको पहले की तरह ओके का जो मैसेज है वो आपको देखने को मिलेगा, आपको इसे ओके कर देना है। आपको ये मेथड जो है वो 7 टाइम रिपीटेड मोड पे करते जाए, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब आप इसके बाद यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, वो है सिंपली आपको इसे बैक करना है, मतलब इन कोड को हटाना है, और यहाँ डायल करना है *#813 और हैज को। यदि ये कोड डालने पे आपका काम नहीं करेगा तो आपको फिर से हटाना है, और नंबर 812 को यहाँ ट्राई करना और हैज दबाना है। और जब इसके आने के बाद भी आपको कुछ हैंडसेट में कुछ ऑटोमेटिक ऑन नहीं होता है, तो उस केस में आपको सीधे होम बटन को क्लिक कर देना है, और आप देखेंगे आपका जो स्मार्टफोन है वो सक्सेसफुली अनलॉक हो जाएगा। यदि आपका हो जाता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि हमारी टीम के द्वारा आपके हैंडसेट को अनलॉक किया जाए, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमें थैंक्स का जो बटन है उसे भी क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर जैसे ही आप हमें ज्वाइन करते हैं हमारी जो टीम के जो मेंबर है वो आपको लाइव वीडियो कॉल करते हैं, वो भी व्हाट्सएप पे, और आपके हैंडसेट को अनलॉक करके दे देते हैं। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा ज्वाइन के बटन को।